दोस्तों, अगर आप भी अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर से कनेक्टेड किसी भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस के इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे किसी भी अननोन पर्सन को आपके वाईफाई का पासवर्ड पता भी है फिर भी वो इंटरनेट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक वाईफाई यूजर है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा जरूर से देखिए। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, आपके एयरटेल वाईफाई से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को ब्लॉक करने का जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, इस मेथड को आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी कर सकते हैं। लैपटॉप की डिस्प्ले में आपको सही से दिखाई देगा, इसलिए मैं आपको लैपटॉप में बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन के अंदर गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन जिसमें भी आप एयरटेल के एडमिन पैनल को लॉगिन करना चाहते हैं, उसमें आपको अपने सेम वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे वाईफाई का नाम यहाँ पर है एयरटेल बॉस, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपको अपने राउटर के बैक साइड पे देखना है, यहाँ पर आपको एक स्टिकर लगा हुआ देखेगा। इस स्टिकर में आपके राउटर का आईपी एड्रेस, आपके राउटर का एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड आपको दिखाई देगा। तो डिफॉल्ट में जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1.1। ये सेम आईपी एड्रेस आप भी इंटर करके देख सकते हैं। अगर आपके पास वर्क करता है तो ठीक है, नहीं वर्क करता है तो आप अपने राउटर के बैक साइड में देख सकते हैं। जैसे ही आप आईपी एड्रेस को इंटर करते हैं, उसके बाद आपको एक बार इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह की डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। इसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस्ड का, आपको एक बार इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर के एडमिन पेज को लॉगिन करने के यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर के एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा है, इसके सामने यहाँ पर आपको टाइप करना है एडमिन, और पासवर्ड भी डिफॉल्ट में एडमिन ही होता है। अगर आपने ऑलरेडी चेंज करके रखा है तो आपका जो नया पासवर्ड वो आप एंटर करिए, अदरवाइज डिफॉल्ट में आपको यहाँ पर टाइप करना है एडमिन। जैसे यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर देते हैं, उसके बाद सिंपली आपको एक बार लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर का जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाता है। यहाँ से दोस्तों, आप अपने एयरटेल वाईफाई से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बार सिक्योरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि फायरवॉल है, मैक फिल्टर है, आईपी फिल्टर है, यूआरएल फिल्टर है। तो आपको यहाँ पर मैक फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मैक फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक फिल्टर यहाँ पर डिफॉल्ट में यहाँ पर आपको ऑफ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, एक बार ऑन पे क्लिक करना है। ऑन पे क्लिक करने के बाद जो इसका जो मोड है वो मेक श्योर आप यहाँ पर ब्लैक लिस्ट ही सिलेक्ट करिए। ब्लैक लिस्टेड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली एक बार सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको उस डिवाइस को एड करना पड़ेगा जिस डिवाइस के इंटरनेट एक्सेस को आप अपने एयरटेल वाईफाई से ब्लॉक करना चाहते हैं। तो डिवाइस को एड करने के लिए आपको सिंपली एक बार एड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनल क्लाइंट। इसके आगे जो ड्रॉप डाउन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके एयरटेल वाईफाई से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मैं अपने Redmi Note 8 Pro, जो कि ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो इस मोबाइल फोन के इंटरनेट को ब्लॉक करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये जो मोबाइल फोन है इस सेम वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर नहीं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एयरटेल बॉस से ये कनेक्टेड है और सेम वाईफाई मेरे लैपटॉप में भी आपको यहाँ पर कनेक्टेड आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंटरनेट अभी चल रहा है या फिर नहीं। उसके लिए अगर मैं जैसे ही यहाँ पर YouTube ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube है वो परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये कि इंटरनेट यहाँ पर अभी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने Redmi Note 8 Pro, जो कि ये मोबाइल फोन है, इसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये जो मोबाइल फोन है वो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में एड हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही आप उस डिवाइस को एड कर देते हैं जिस भी डिवाइस के इंटरनेट एक्सेस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तुरंत ही उस डिवाइस का जो इंटरनेट है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल फोन में अभी सेम वाईफाई आपको कनेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी YouTube को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए YouTube अभी ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अभी Google Chrome को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ google.com,
तो यहाँ पर अभी आप देखिए ऊपर लिख के आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, यानी अभी इंटरनेट है वो चल नहीं रहा है और वाईफाई आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है। अगर मैं इस डिवाइस के इंटरनेट एक्सेस को अनब्लॉक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली मुझे इस डिवाइस को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिए कुछ ही सेकंड में जो इंटरनेट वो चलने लगेगा आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा। जैसे ही मैंने यहाँ पर एयरटेल वाईफाई के एडमिन पैनल से उस डिवाइस को ब्लॉक लिस्ट से हटाया, तुरंत ही यहाँ पर इंटरनेट चलने लगा है। अगर मैं यहाँ पर अभी YouTube को ओपन करता हूँ तो आप देखिए YouTube है दोबारा से यहाँ पर चलने लगा है। इस तरह से दोस्तों आप अपने Airtel Extreme Fiber Wi-Fi राउटर से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को बहुत ही आसानी से ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिए। अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल या फिर क्वेश्चन रह गया है, अगर आप किसी और भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बना दूंगा। अगर आप अपने Airtel Extreme Fiber Wi-Fi के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने Airtel Extreme Fiber Wi-Fi राउटर को रिसेट करना चाहते हैं तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।